बाद एक खबर नू खुरद बुरद करता अते साड़ी जनता का ध्यान पलट के दूजे पासे करता। किसान वीरो नशा जड़ पकड़न की लोड़ है। जड़ किवें फड़ी जाऊगी जे तुसी अवेयर होवोगे। ये सानू घर घर पता लग जूगा कि नशा कित्थों आ रहा, कौन बका रहा है। किसान वीरो नशा जगदीप सिंह पहला दस के गया है कि सरकारी गड्डियां दे विच आउंदा रहा है। ते इत्थे साडे नौजवान भोले भाले गभरू गंभरुआं नूं बरंगाल के पिंड पिंड डिलीवरी की जाती है, क्योंकि यह सारा नुक्स सरकार दा है। नौजवानों नूं रुजगार नहीं मिल रहा। रुजगार ना होण दे कारण नशे की दलदल दे विच धक्के जा रहे ने। कोई तो पीण लग गया ते कोई बेचण लग गया। किसान भरावो यह सरकारां साडे पंजाब दे विच जो नशे नूं फैलाउण वालियां सरकारां ने अते जो रुजगार है रुजगार का साधन नहीं हो रहा। सरकारां कहिंदियां सी असी रुजगार का साधन करांगे, वह भी नहीं इन्हां तों होया। असी 70 साल सुनते आ रहे हां कि किसान ते मजदूर नूं उच्चे चक्कांगे, इन्हां नूं सखावां माहौल देंगे, इन्हां दे रेट बदलगे, मजदूरी बधूगी। नहीं बधी किसान भरावो। किसान दिनों दिन निगरदा जा रहा है, वित्तीय हालत कमजोर होगी, गल गल करजे दे विच डुब्या पिया, गल गल करजे दे विच डुब्या। किसान कहिंदा कि करजा तार लू, एक दो किला बेच के इको एक पुत सत समुंदरां पार भेज दिंदा है। अपने दिल ते हथ रख के कोई कला पुत होवे सत समुंदरों पार भेज सकदा नहीं। इत्थे कमजोरी है, पता है नौकरियां नहीं मिलनियां, जमीन घट है, रुजगार नहीं, भुखे मरांगे। इस करके जिहड़ी रहिंदी जमीन है वह किला दो किले बेच के बाहर भेज दिंदा है। उत्थे भी इसे नशे की दलदल दे विच धक्किया जा रहा है। यह कैमिकल बेचते हैं उत्थे भी फीम के नाम पर, कहिंदे ने फीम है वह वध घट डोज दे विच लाशां लिपट लिपट के साडे पंजाब नूं आ रही ने। किसान भरावो सोचण की लोड़ है, बिल्कुल बाहर ना भेजो, इत्थे ही सखावां माहौल बनावांगे। ये जिहड़ी जनता जुड़ी है, किसान उठा मजदूर उठा, घर घर दे विच आवाज उठाओ। कणकां दे भा लवांगे, जीरियां दे भा लवांगे, मक्कियां दे भा लवांगे, माहौल सखावां बनावांगे। ये पंजाब दे लोक ही बना सकते ने, कोई सरकार नहीं बना सकती। जे कोई कहिंदा होवे कि रंगला पंजाब बनावांगे, नहीं भरावो, आपां बना सकांगे रंगला पंजाब। आपां संघर्ष लड़ांगे, रेट लवांगे, रेट लैके इत्थे खुशहाल होवांगे, अते एकजुट होण दी लोड़ है। किसान भरावो ये नशा भी चक्किया जाऊ जड़ो, अते अपने जिहड़े किसान ने उन्हां दी भी खुशहाली चक्की जाऊ। खुशहाली तां उठूगी, खुशहाला तां होवांगे जे असी एकजुट होवांगे। ते पिंडां दे विच असी कहिंदे आ अजे इन्ने जागरूक नहीं होए, जदों किसान ते मजदूर जाग जूगा अपने अपने रेट लैण दे विच सक्षम हो जाएंगे, अते साडी वित्तीय हालत है जिहड़ी वधिया हो जूगी, अते सानू सब कुछ सोचण वास्ते मजबूर हो जाएंगे, अते सानू बिल्कुल हुण नशियां दी दलदल दे विच सरकार तक रही है कि इन्हां दी सोचण शक्ति बंद हो जाए, भविख बंद हो गया, नौजवानों नूं राह नहीं लभदा। ਉਹ ਟਾਈਮ ਟਪਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ। ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦੇ ਮਗਰ ਅੰਦਰ ਸਿੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਮਗਲਰ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵੋ ਇਹ ਅੱਜ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਅਜਗਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਮ ਦੋ ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ, इलाज होवे, ये छड़ जाणगे। नौजवान नूं छड्डणी कोई चीज औखी नहीं। किसान भरावो नवा लहू हुंदा है, 5-7 दिन दे विच नशा छुड़ जांदा है। जे सरकार चाहे तां ये सरकार दी नीति नहीं है कि ये नशा छड्डणा, ये नशे दी दल दल दे विच आउण, ये सरकार दी नीति है। किसान भरावो ये किन्ने ही आपां सरकारां झूठ बोल के आईआं, नशे दे सिर ते सरकारां बण गईआं।
अज भी असी नशे तो पीड़ित हाँ, क्योंकि सुखावा माहौल नहीं दिता जा रहा। इन्हां दे हस्पताल खुले जाना, नशे की दल दल दे विचों निकलना, इन्हां नूं नौजवानां नूं रुजगार मिले, नौकरी करनगे, ये क्यों नशा करनगे भरावो? आखिरकार ये भी इन्हां दे विच भी दिल है, समझ रखते ने। एमए एमए बीए बीए मुंडे पास नशे की दल दल दे विच आ गए, क्यों आ गए? क्योंकि भविख धुंधला दिख रहा है भरावो। ये सारा ही जिहड़ी वित्तीय सहायता साडी कमजोरी है उहदा फायदा उठा के सरकारां सानूं गलत पासे लिजा रही ने। सन 1947 तो पहला भी नशा छड्डिया सरकारां ने, हुण भी छड्ड रहे ने, ते सानूं सानी नसल अते फसलां दोहां तों हथ धोण नूं बैठे आ। बाजो किसान भरावो, मैं तां इन्ना ही कहूँगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ਇਹ ਸਨ ਜੀ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਲ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ